हूँ। तो क्या हाल चाल है? तो बेटा, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि 3-4 दिन 5 दिन से मैं क्या किया, वीडियो अपलोड नहीं किया हूँ। तो बेटा, उसके लिए मैं सॉरी है, वेरी वेरी सॉरी है। लेकिन आज हम क्या करेंगे, क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आज हम स्टडी करेंगे, जो कि आज आपका टॉपिक है चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.4, जैसा कि टाइटल में आप लोग देखे होंगे और थंबनेल भी आप लोगों ने चेक किया होगा। ठीक है, तो आज जब यहाँ तक जब पहुँचे ही हैं तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और सबसे पहली चीज़, मैंने इसके पहले वीडियो में कुछ चीज़ें बताई थी, उस ध्यान से जा करके बेटा देख लीजिएगा उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने बताई थी। ये चीज़ें बताई थी कि जैसे मान के चलिए कि एक्सरसाइज 8.4 को बेटा स्टार्ट करने के पहले मैंने बताया था कि आपको इसके पहले के कुछ फॉर्मूलाज हैं उनको आपको लर्न करना है। मैंने पाइथागोरस थ्योरम से कुछ फार्मूलाज डिफाइन करवाए थे, डेराइव भी करवाए थे, लाइक साइन स्क्वायर इक्वल्स 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 होता है। फार्मूले मैंने क्या कराए थे, डेराइव कराए थे। तो अभी भी मेरा गला थोड़ा उसी तरीके से है, तो हम ज़्यादा ना बोलते हुए अपनी स्टडी को चलिए शुरू कर दें। ठीक है, तो बेटा हमने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हमने पहले क्या स्टडी किया था, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में, मीन्स साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, बाकी आपको लर्न हुए हैं। उस पर हमने क्या बताए थे, कुछ फॉर्मूले बताए थे, लाइकवाइज साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉसेक थीटा थीटा, तो कुछ ऐसे ही फॉर्मूले जो कि हमने स्टडी करवाए। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सबसे पहली चीज़ हम क्या स्टडी करेंगे, उनके फॉर्मूलाज कहाँ से डिराइव हुए हैं, किस थ्योरम से डिराइव हुए हैं, कहाँ से हम उसको क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। तो बेटा सबसे पहली चीज़ क्या करना है कि आपको फॉर्मूलों को कैरी करना आना चाहिए। मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 होता है तो क्यों होता है, कैसे होता है और कहाँ से ये आता है, अगर इसको आपको नहीं जानना है तो आप बर्बाद हो चुके हैं। ठीक है ना, तो इस चीज़ को सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि बेटा आपको ये जानना जरूरी है, बिकॉज अगर आप जान जाते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 होता है तो आपको बाकी के 6 फॉर्मूले फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बार फिर वही बात रिवाइज कर देता हूँ, अगर आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 ये फार्मूला डेराइव करना सीख जाते हैं तो आपको बाकी के 6 फार्मूलाज लर्न करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो 6 फार्मूलाज कौन कौन से हैं, चलिए हम यहाँ पे राइट करते हैं 6 फार्मूलाज कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो कि आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 होता है, और एक आपका होता है यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो कि इसका इक्वल्स भी 1 होता है। तो ये दोनों फार्मूलाज आपके हो गए। ठीक है, अब हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पर अगर इस 1 के साथ कॉट स्क्वायर थीटा को कर दिया जाए, ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और ऐसे ही अगर हम इस 1 को इस तरफ ले आए, मीन्स आप समझ रहे हैं ना, प्लस 1 को हम एल एच एस में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका माइनस 1 हो जाएगा और आपका कुछ इस तरीके से कॉट स्क्वायर। इसी तरीके से बेटा अगर हम इसमें भी टेन स्क्वायर को क्या करते हैं, इस तरफ भेजते हैं तो आपका क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है। सेम एज अगर हम यहाँ पे अगर करते हैं कि यहाँ पर इसको हम इस तरफ ना, मीन्स 1 को एल एच एस में लेके आए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपका किसके इक्वल्स हो गया, टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल्स हो गया। यहाँ पर सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बेटा मेरा क्या हुआ है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 जो कि मेरा फॉर्मूला था, कहाँ से आया है ये फॉर्मूला बेटा, यहीं से आया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 से। कैसे आया है, मैंने वीडियो अपलोड की है क्लास 10th की प्लेलिस्ट में, जाइए एक वीडियो आपको उसका थंबनेल यहाँ शो हो रहा है। ठीक है, इस वीडियो को फुल वॉच कर लीजिए, 59 मिनट्स 51 सेकंड का है बेटा, 1 घंटे का वीडियो है, 1 आवर्स का, बट आपको केवल 30 मिनट्स इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को 30 मिनट्स फुल वॉच कर लेते हैं तो गारंटी है, 100% गारंटी है कि आपको ये सारे फॉर्मूले पता चल जाएंगे कि मैंने कैसे प्रूव करवाया था। ठीक है, तो इस वीडियो को जाकर के फुल वॉच कर लीजिए, अभी टाइम है। ठीक है, इसको फुल वॉच कर लीजिए, देन आई एक्सरसाइज 8.4 पर। तो चलिए बेटा ये आप फॉर्मूले देख लिए हैं, 3, 3, 6 और इसके 3 इक्वल्स कितने हो गए, 9 फॉर्मूले। बट आपको कितने लर्न करने हैं, मैंने बताया मैं केवल और केवल ये एक फॉर्मूला आपको डेराइव भी करना है, लर्न भी करना है, बाकी ये जो 6 फॉर्मूले हैं आपके लाइकवाइज क्या हो जाएंगे, आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए।
बेटा यहाँ पे जो आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आपका कुछ इस तरीके से देखिए, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए से के टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट। बेटा क्या करना है आपको, साइन ए से के और टैन ए की जो फॉर्मेशन हमें डिफाइन करनी है वो कॉट ए के फॉर्म में, मीन्स कॉट ए के फॉर्मूले के साथ उसको अटैच करके हमें क्या करना है, उसको डिफाइन करना है। समझ में आई बात? लाइकवाइज समझ सकते हैं कि जैसे टैन ए का फॉर्मूला अगर कॉट ए के फॉर्म में गेन किया जाए तो क्या मिलेगा हमें, वी गॉट द फॉर्मूला ऑफ टैन ए इन द अपोजिट फॉर्म। लाइकवाइज टैन ए इक्वल्स टू वन बाई कॉट ए, आप जानते हैं किस तरीके से, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉस है, यही बताया गया था कि साइन का अपोजिट कॉस है, कॉस का अपोजिट सेक और टैन का अपोजिट कॉट होता है, यही सारी चीज़ें बताई गई थी, वही चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ टैन के लिए हम क्या राइट कर लेते हैं बेटा, कि टैन ए जो कि इक्वल्स होगा किसके, वन बाई कॉट ए के इक्वल्स होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर टैन ए जो कि वन बाई कॉट ए के फॉर्म में, मीन्स उसके अपोजिट फॉर्म में हमें फॉर्मूला गेन हो जाता है। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ें ईजिली फॉर्म में मिल गई, बट क्या कर सकते हैं इसे फॉर्मूले के भी रूटीन में हम तोड़ सकते हैं। लेकिन जब हमें छोटा सा फॉर्मूला मिल गया है कॉट के फॉर्म में, हम क्यों आगे जाएं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपको जब ईजी वे में कोई चीज़ कन्वर्ट करना तो ईजी वे में लेके चलिए, ज़्यादा उसको खींचने की ज़रूरत नहीं है जब तक वो आपके सामने ना आए, ठीक है। तो जब सामने आएगा तब हम उसको खींचेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये आपके टैन के फॉर्मेट में ये कॉट का फॉर्मूला होगा, ये आपका पहला आंसर, जो कि पहले क्या किया गया मैंने तीसरे से स्टार्ट किया, बीच वाले से फिर करेंगे। तो सेक ए के लिए क्या होगा बेटा, चलिए सेक ए के लिए देख लेते हैं। क्या जानते हैं कि सेक ए का जो फॉर्मूला होता है वो टैन के फॉर्म में तो में होता है बट कॉट के फॉर्म में नहीं होता है। और टैन के फॉर्म में बेटा सेक का जो फॉर्मूला होता है अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो समझ जाइए कि आपको कॉट के फॉर्म में मिल गया, बिकॉज टैन इक्वल्स वन बाई कॉट ए होता है। तो अगर सेक का फॉर्मूला जो कि होता है वन प्लस टैन स्क्वायर ए, ये तो होता है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, इस फॉर्मूले को मैंने अभी यहाँ पर राइट किया था, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स आपका होता है वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे किस तरीके से ये फॉर्मूला सेक का किसके टर्म में आता है, कॉट के टर्म में आता है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, फिलहाल थीटा के प्लेस पे हमने ए को टेक किया है और यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा फिर, वन प्लस टेन स्क्वायर, दैट इज द रियल फॉर्मेशन ऑफ सेक ए, सॉरी ये रहा आपका अंडर रूट, ठीक है। बिकॉज आप जानते हैं कि बेटा अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आपका ए रहता है तो एक्स इक्वल्स क्या हो जाता है, अंडर रूट ए हो जाता है। इस चीज़ को आप जानते हैं, कई बार बताया गया, ठीक है ना, आई टोल्ड इट मेनी टाइम्स, सो प्लीज़ पे अटेंशन दिस फॉर्मूला, सेक ए इक्वल्स टू अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर है। सो वी कैन फाइंड आउट लाइक सेक ए इक्वल्स अंडर रूट, और बेटा यहाँ पर टेन के प्लेस पे अभी मैंने क्या बताया कि वन बाई कॉट ए को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, राइट कर देंगे किसके प्लेस, मीन्स यहाँ पे स्क्वायर है तो हम क्या कर देंगे इसका स्क्वायर कर देंगे, सेम एज लाइकवाइज। तो बेटा sec a जो कि आपका मिलेगा क्या, देखिए यहाँ पर पहली चीज़ जब ये ब्रेक होगा तो आपका क्या हो जाएगा, वन प्लस वन बाई, और ये हो जाएगा cot स्क्वायर a, जो कि कुछ इस तरीके से, कुछ अभी करना नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक चलने जा रहे हैं इसमें वो ये होगा बेटा, इन दोनों का लेंगे LCM, कि cot स्क्वायर a और वन का LCM आप जानते हैं cot स्क्वायर a होगा, तो क्या करेंगे cot स्क्वायर a से मल्टीप्लाई कर देंगे इस फैक्टर में, तो आपका क्या आ जाएगा, देखते रहिए ध्यान से, क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस वन अपॉन कॉट स्क्वायर ए, कुछ इस तरीके से। तो आप चाहें तो इसको यहीं पर आप स्टॉप कर सकते हैं, मीन रोक सकते हैं, या फिर आप चाहें तो थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए क्या कर सकते हैं, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेम है मैंने क्या कर दिया पर कॉट स्क्वायर ए का देखते हैं। जैसे अगर हम कहें आपसे कि बेटा एक्स स्क्वायर आपका दिया गया हो क्या ए स्क्वायर, तो ये एक्स की वैल्यू क्या होगी आपके पास, ए होगी, ठीक है, वेरी इजी। तो यहाँ हम क्या करेंगे कॉट ए राइट करेंगे, जो कि हमारा क्या हो जाएगा सेक के फॉर्म में कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा, या फिर हम कहें कि कॉट के टर्म्स में सेक का फॉर्मूला हमने डिफाइन कर लिया, किस तरीके से, इस फॉर्मूले के यूज से, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, इस फॉर्मूले को जब हम इसमें राइट कर देंगे तो कुछ इस फॉर्मेट ये फॉर्मूला हमारा प्रिपेयर हो जाएगा, और सिर्फ आपको टैन को जो कि वन बाई कॉट ए के फॉर्म में लाइकवाइज, ठीक है। तो चलिए इसको राइट करिए, देन हम क्या करते हैं साइन ए वाला जल्दी से देख लेते हैं।
बेटा हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, साइन कॉट ए के फॉर्मेट में क्या करना है, साइन ए का फॉर्मूला हमें गेन करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे गेन करेंगे, तो चलिए मैं यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि साइन का अगर आपको कॉट के फॉर्मेट में, किसके फॉर्मेट में जी, कॉट के फॉर्मेट में आपको फाइंड आउट करना है, तो साइन और कॉट में रिलेशन क्या होगा। कि साइन और कॉट का रिलेशन ढूंढने के पहले पहले आपको ये चेकआउट कर लेना चाहिए कि क्या साइन और टैन का कोई रिलेशन है, बिकॉज कॉट में कोई रिलेशन होगा, में कोई रिलेशन नहीं होगा। तो अगर नहीं होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए कि बेटा साइन का जो फॉर्मूला होगा कॉसेक के फॉर्म में होगा, ये चीज़ पहले तो आपको पता है, ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ तक पहुँचना है जहाँ से इसकी स्टार्टिंग है। मीन्स पहले आपको इसकी रूट पता करना है कि साइन का कॉट का जिसके साथ रिलेशन है, साइन का और कॉट के जिसके साथ रिलेशन है, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ हमारा रिलेशन है, उसको पहले आपको टिक करना है। तो साइन का कॉसेक के साथ रिलेशन है बिकॉज कॉसेक का कॉट के साथ रिलेशन है। याद आया कि कॉसेक का कॉट के साथ रिलेशन पता चला कैसे, कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल्स आपका होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपका किसके इक्वल्स होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल्स होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला अभी मैंने राइट किया था ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन और कॉसेक का टाका भिड़ाएंगे। क्या करेंगे हम, साइन और कॉसेक का टाका भिड़ाएंगे। चलिए भिड़ गया टाका, तो भैया अब क्या करेंगे, अब देखते हैं हम कि कॉसेक का जो फॉर्मूला होता है बेटा क्या होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो कि कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, अभी मैंने फिर बताया। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया, वन प्लस कॉट स्क्वायर है जो कि किसके प्लेस पे है, कॉसेक के प्लेस पे। अब यहाँ पे स्क्वायर तो है नहीं, तो यहाँ स्क्वायर है, तो हम क्या कर देंगे, इसका अंडर रूट कर देंगे। फॉर्मूला भी आपको मैंने बताया, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो अगर कॉसेक थीटा हो जाएगा मीन्स इसको अंडर रूट दे देगा, समझ में आया ना बात। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साइन ए इक्वल्स जो कि आपका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर ए के फॉर्मेट में, और जो कि यही आपका बेटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको आप क्या कर लेंगे, अच्छे तरीके से राइट कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की ओर, ठीक है। चलिए बच्चों, दूसरा जो कि हमारा क्वेश्चन है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, मीन्स सेक ए के फॉर्म में हमें एंगल्स ए को लेकर, मीन्स सेक ए है ना कि सेक थीटा है, तो ए क्या है, वही आपका एंगल ऑफ ए है। अगर सेक थीटा होता तो यहाँ पे क्या होता है, एंगल ऑफ थीटा होता। चलिए क्वेश्चन की डिस्कशन खत्म, तो क्या करते हैं बेटा, हम चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। तो हमें क्या करना है, पहले तो हमें ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आने तो चाहिए। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पता ही नहीं होगा तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसकी फॉर्मेट में हमें एंगल्स ऑफ ए को डिफाइन करने के लिए सेक ए का फॉर्मूला उसके साथ रखना है, कैसे पता चलेगी सारी बातें। तो पहली चीज़ आपको मैंने बताया था, फिंगर वाइज साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, क्या साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ये छः आपके होते हैं, छों के छः आप राइट कर लीजिए, सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से एक एक की शुरुआत करते हैं। बेटा सबसे पहला आपका होता है साइन ए, ठीक है, किसके फॉर्मेट में, ए के, ठीक है, एंगल ऑफ ए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, वी हैव गिवन द एंगल ऑफ ए, सो वी कैन राइट द एंगल ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन ए के फॉर्मेट में बेटा सबसे पहली चीज़ हमें सेक ए है, सेक ए दिया हुआ है, गिवन है, तो क्या साइन का ऐसा कोई फॉर्मूला है जो सेक के साथ है, नहीं है। तो अगर नहीं है तो हमें ये ढूंढना चाहिए कि सेक का रिलेशन किसके साथ है, तो सेक का रिलेशन दो लोगों के साथ है, पहली चीज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में दो लोगों के साथ है, ना कि टू मेंस और वोमेंस के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि सेक जो कि कॉस का अपोजिट होता है कॉस थीटा इक्वल्स वन बाई सेक थीटा, पहला, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पहला तो हमें मिल गया और ये भी काम का है क्योंकि हमें रिलेशन शो कराना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका है सेक का, वो टैन के रिलेशन में है, बिकॉज सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये दूसरा रिलेशन है सेक का टैन के साथ। तो दो रिलेशन हुए सेक के, एक कॉस के साथ होगा एक टैन के साथ होगा, कितने रिलेशन, दो के दो रिलेशन हमें फाइंड आउट हो गए, और दोनों इस क्वेश्चन में काम आएंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए, सेक का रिलेशन कॉस के साथ और टैन के साथ है। तो पहले में क्या करना है, कॉस के साथ इसका रिलेशन है, तो कॉस के साथ अगर इसका रिलेशन है तो साइन का कॉस के फॉर्मेट में फॉर्मूला होता है ना, कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा आपका, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, सो वी कैन राइट साइन ए इक्वल्स क्या आपका हो जाएगा यहाँ पर,
इसको हम अंडर रूट प्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है बिकॉज मैंने अभी बताया कि कॉस ए इक्वल्स आपका क्या होता है, 1/6 होता है। तो यहाँ पर बेटा हम क्या कर देंगे, कॉस के प्लेस पे एज इट इज हम क्या करेंगे, इसी को हम 1/sec ए को क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। देखिए कुछ किस तरीके से मैंने किया, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट आपका रहेगा ही रहेगा। बेटा अब नेक्स्ट आपका यहाँ पर बेटा क्या होगा, 1/1 मीन्स एलसीएम होगा, सेक स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अप एंड डाउन, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ऊपर हो जाएगा नॉमिनेटर में, अपॉन सेक स्क्वायर ए नीचे आपका डिनोमिनेटर में, और यही आपका बेटा सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए एक लाइन और राइट कर लेते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ऊपर आपका हो जाएगा और यहाँ पर ये अंडर रूट सेक स्क्वायर है, देखिए पूरा का पूरा अंडर रूट है, जब इसमें से तो अंडर रूट बाहर आएगा नहीं, ठीक है, बट सेक स्क्वायर ए का अंडर रूट आपका अगर होगा तो क्या मिलेगा हमें, सेक ए मिलेगा। बिकॉज मैंने भी बताया था ना कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर होता है, तो एक्स इक्वल्स बेटा क्या होता है, ए होता है, मीन्स स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ अंडर रूट है, अंडर रूट सेक स्क्वायर बाहर होगा तो सेक ए। ठीक है, चलिए साइन का सेक के फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। अब दूसरा फाइंड आउट करते हैं, दूसरा क्या फाइंड आउट करना था बेटा, ये है दूसरा आपका, इसी में है दूसरा। देखिए कॉस ए इक्वल्स 1/sec, ज़्यादा कुछ हमें इसे घुमाने की जरूरत नहीं, मैंने भी बताया था ना कॉस का सेक के साथ रिलेशन, सेक का कॉस के साथ और टैन के साथ, तो मैंने बताया था उसमें से आपका एक सॉल्यूशन है, यही है वो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका दूसरा सॉल्यूशन है सेक के फॉर्मेट में, पहला सॉल्यूशन आपका था साइन के साथ, ऐसे ही चलिए हम देख लेते हैं अब तीसरा सॉल्यूशन, टाइम वेस्ट करते हुए किसके फॉर्मेट में, टैन के। बेटा टैन का रिलेशन किसके साथ, सेक के साथ। अभी मैंने फॉर्मूला रिवाइज करवाया था, क्या दोबारा नहीं बोलना है, क्या मैंने कहा था राइट कर लो, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ ए है तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, क्योंकि यही फॉर्मूला है किसका, टेन स्क्वायर ए का, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेन ए अगर देखें तो टेन ए क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट में हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, बस यही थोड़ी सी चीज़ थी। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला टेन ए के फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से अंडर रूट में हो जाएगा, वेरी इजी वेरी सिंपल। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ करना ना। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं, ये आपका हो गया तीसरा बच्चों, चौथा आपका क्या होगा जल्दी से देख लीजिए, कौन सा, कॉट वाला। चलिए कॉट का देख लेते हैं, तो बेटा अब सेक का कॉट के फॉर्मेट में कोई भी रिलेशन है, नहीं है, बट सेक का टेन के साथ है और टेन का कॉट के साथ है, या यूं कहें कि कॉट का टेन के साथ है, तो इसका मतलब अगर कॉट का टेन के साथ रिलेशन है तो सेक का टेन के साथ है, इसका मतलब जुगाड़ मिल गया। ठीक है, तो चलिए कॉट ए इक्वल्स आपका क्या होता है, 1/10 होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि टेन का अपोजिट कॉट, कॉट का अपोजिट टेन। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो कॉट की, जो टेन की वैल्यू आई है बेटा, यहाँ पर वही वैल्यू हम राइट कर देंगे। ठीक है, बस यही एक काम आपको करना है, टेन की वैल्यू आई है, वही वैल्यू आप क्या कर देंगे, यहाँ राइट कर देंगे। पे आपको मैंने क्या कर दिया, राइट कर दिया, यही फॉर्मूला हो जाएगा कॉट के फॉर्मेट में। ठीक है, ज्यादा कुछ करना नहीं था, टेन का जो कि पहले से हमने फाइंड आउट कर लिया है, उसी के प्लेस पे हमने क्या कर दिया, ये राइट कर दिया कॉट के फॉर्मेट में, सेक का फॉर्मूला हमें फाइंड आउट हो गया। चलिए अब पांचवा देख लेते हैं, किसका, कॉसेक का, साइन कॉस टेन कॉट, सेक का तो करना नहीं है बिकॉज सेक के फॉर्मेट में तो लाना ही लाना था, तो हमें कॉसेक के पास चलना है। चलिए कॉसेक के लिए देख लेते हैं, तो बेटा कॉसेक के फॉर्मेट में सेक का होता है, नहीं होता है, क्योंकि सेक का टेन के फॉर्मेट में होता है, सेक का साइन के फॉर्मेट में आपने देख लिया कुछ इस तरीके से होता है, बट कॉसेक का सेक के फॉर्मेट में नहीं होता। तो कॉसेक का साइन के रिलेशन में करके और वही साइन के प्लेस पे ये पूरा का पूरा फार्मूला, साइन के प्लेस पे ये पूरा फार्मूला हम राइट कर देंगे, कॉसेक का हमें मिल जाएगा, वेरी इजी, क्योंकि कॉसेक थीटा इक्वल्स होता है आपका 1/sin थीटा, मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/sin ए हो जाएगा बिकॉज एंगल ऑफ ए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चलिए देख लेते हैं जल्दी से, कॉसेक ए आपका हो गया कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर, और साइन ए के प्लेस में हमें क्या करना है, यही पूरा का पूरा फार्मूला राइट कर देना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, साइन ए के प्लेस पे यही पूरा का पूरा फार्मूला आप राइट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, मीन्स आपका सेक ए था, बट कुछ इस तरीके से राइट करेंगे, अगर आप अंडर रूट ए राइट करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर आप सेक स्क्वायर ए राइट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ से आपका अंडर रूट सेक स्क्वायर ए बाहर हुआ था, तो सेक ए के फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से आया था। तो यहाँ पर क्या करेंगे आपको बेटा, देख लीजिए यहाँ पर आपके थ्री फॉर्म्स है, मीन्स ए अपॉन बी अपॉन सी, तो ए अपॉन बी अपॉन सी होता है, तो सी कहाँ जाता है, ऊपर जाता है,
यही तो ए क्या हो जाएगा, यहाँ चला आएगा तो क्या हो जाएगा आपका सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस वन, वो भी अंडर रूट में, तो सेक स्क्वायर ए माइनस वन यहाँ इस तरीके से आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका आंसर जो कि कॉसेक का सेक के फॉर्मेट में था। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको राइट कर लीजिए, डिफाइन कर लीजिए। अगर इसमें कोई भूल चूक हुई हो तो उसको एक बार पहले से देख लेना कि मैंने किया है या आपने तो नहीं की है। तो जो चीज़ें मैं बताता हूँ उसको नोट कर लिया कीजिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से राइट कर लीजिए। जितने फॉर्मूले थे किसका किसके रिलेशन में क्या कैसे होता है, फर्स्ट रिलेशन किसका किससे होता है, सेकंड किसका किससे होता है, ये चीज़ें ध्यान रखना है। इसको आपको बीच बीच में राइट कर लेना चाहिए, देन आप देखेंगे वही मैंने किया जो मैं बोलता हूँ। ठीक है, चलिए राइट कर लीजिए इसको।